रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल व करम से। तो आज अपने एक नए वीडियो के साथ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे हाजिर हूँ। तो आज एक बहुत अच्छी किस्म की कड़क किस्म की धूप निकली है, तो आज मैं सबसे पहले अपने परिंदों को एक एक करके नहीं छोड़ूंगा। तो आपको मेरी डेली रूटीन का पता है कि मैं पहले इनको बाहर निकालता था इनको, तो आज मैं सबको एक साथ बाहर निकालूंगा एक साथ। वन, ये देखो ये निकले। अभी निकालेंगे ब्रीडर्स पेयर को, क्योंकि आज धूप इतनी अच्छी निकली हुई है कि सारे बाहर आके एक दूसरे के साथ चिल मारेंगे। ये देखो, ये लगे यहाँ पे एडवांस में ही, ये सारे भी बाहर आए हुए हैं। इनको मैं गंदम की रोटी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा ताकि ये लोग बगैर लड़े हुए खाएं। इसमें भी हम भर देंगे इनके लिए खाना। ये हो गया और दूसरा ये एक ये रहा। माशाल्लाह से चूज़े बहुत फ्रेश है, धूप निकली हुई है और गर्मी भी है थोड़ी सी, टेम्परेचर माइनस से बाहर निकला हुआ है और ये लोग अपना गरम गरम ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रहे हैं। कबूतरों को कुछ ऐसा करेंगे हम के अभी ये खाएं, फारिग हो जाए, उसके बाद हम अपने पिजन्स को बाहर निकाल के दाना डालेंगे। माशाल्लाह से हमारे जो चूज़े अभी निकले हुए थे वो बहुत बड़े हो गए हैं, काफ़ी बड़े हो गए, उनके ऊपर फिदर्स भी आई अच्छी से। तो दुआ गो अल्लाह ताला से कि वो आगे भी इसी तरह मेरा जो सेटअप है वो शाद आबाद रखे। और आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप दुआ करें अपने भाई के लिए ताकि मैं आगे अपने सेटअप को और बढ़ाऊँ यहाँ पे, और अच्छी अच्छी सी पिजन्स और बर्ड्स में इंपोर्ट कर सकूँ बाहर से। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं अभी इंपोर्ट्स करना शुरू कर दूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान की कुछ लोकल ब्रीड्स हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मैं बाहर से कुछ नए ब्रीड्स इंट्रोड्यूस कराऊँ गिलगित बल्तिस्तान में। तो अभी तो पंजाब के साइड में ब्रीडिंग का सीज़न चल रहा है, लेकिन यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में हमने ब्रीडिंग रोकी हुई है क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत है। हमने अपने सेटअप्स पर 100-100 वाट के बल्ब्स भी जलाए हुए हैं इनको हीट देने के लिए, ये काफ़ी बेहतर होते हैं। अगर किसी भाई के इलाके में ठंड ज़्यादा पड़ती है तो ये वाला निज़ाम करें, बाहर से प्लास्टिक लगाएं, अंदर से 100 वाट का बल्ब लगाएं। तो इन लोगों ने अपना खाना खाया है, इसके बाद हम अभी इनको कुछ मक्के वगैरह गंदम भी डाल देंगे ताकि ये सही टाइट खाएँ और अंदर अपने सेटअप्स में जाके अच्छे से बैठे। आइए आइए, बैठो बैठ करो बैठ करो, ये देखो ये। वो सिर्फ मेरी वहाँ अकेला बैठा हुआ है, बाकी यहाँ पर मकई भी खा रहे हैं, शायद उसका पेट भर गया है। तो अभी आती है बारी पिजन्स की। हमारी बेचारी पिजन्स हमेशा लास्ट में खाती है क्योंकि मैं उनको लास्ट में दाना देता हूँ। इंशाल्लाह कल से ऐसा नहीं करूँगा, इनको भी अच्छे से टाइम पे सबको मिला के एक साथ दूँगा ताकि ये अभी अपने चूज़ों को, वो देखिए वहाँ पर इनका एक चूज़ा बड़ा हो रहा है। तो ये मकई खाने के बाद फौरन जाके ही अपने चूज़ों को खिलाते हैं। तो ये देखो रॉक ओह मेरा हाथ काट लिया इन लोगों ने। तमाम बर्ड्स ने अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर लिया है और उनको मैंने भरपूर तरीके से इनका ब्रेकफास्ट खिला दिया है। तो अभी हम लोग को करेंगे एंड, और जो लोग चैनल पे नए हो वीडियो को पहली बार देख लो, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट लाजमी करो। थैंक यू बर्ड्स फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान।